लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। रेत का महल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा सपना है। इसके बारे में आपने कई कहानियों में सुना होगा। हम आज आपको एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 22 साल से रेत के महल में रहा है। जी हाँ, ये सच है। इतने सालों से उसने इस महल का कोई किराया तक नहीं दिया है। 44 साल के मार्सियो मिजील मैटोलियस ब्राजील के रहने वाले हैं। उन्होंने रियो डी जानेरियो के बैरा तिजुका बीच में एक बहुत बड़ा रेत का महल बनाया है। इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पूरा दिन वो वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं और अपना समय बिताते हैं। उनका कहना है कि मैं गुआनाबारा की खाड़ी में पला बड़ा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बीच पर ही बिताई है। मुझे पर्यटकों का मनोरंजन करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने महल का कोई किराया नहीं देता हूँ। यहाँ एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। खास बात यह है कि आसपास के लोग उन्हें राजा कहकर बुलाते हैं। मार्सियो अपने महल का पूरा दिन देखभाल करते रहते हैं। पर्यटकों का मनोरंजन करने के अलावा वो वहाँ गोल्फ और फिशिंग भी करते हैं। उन्होंने बताया इस महल के अंदर एक 3x3 का बेडरूम भी है। इसे बनाने का आइडिया उन्हें स्पेन की एक वास्तुकार एंटनी गॉडी पर लिखी गई बुक से आया।